दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी एंड्रॉयड मोबाइल में हॉटस्पॉट कनेक्ट है यानी वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट मैंने कर रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा आइकन, और यहाँ पर भी देख सकते हैं वाईफाई मैंने कनेक्ट कर रखा है और ये दूसरे मोबाइल से मैंने वाईफाई इसमें कनेक्ट कर रखा है। लेकिन जब यहाँ पर मैं नेट चलाता हूँ तो ये देखिए नेट यहाँ पर कुछ भी नहीं खुलता है, ज़्यादातर कुछ नहीं खुल रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये घूमता रहता है लेकिन खुलता कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। तो आप किस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे चुटकियों में आप सभी को बताऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके दो आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप सभी को अपने सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, सर्च बॉक्स में आप सभी को यहाँ पर रीसेट लिखना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में रीसेट लिखिए। रीसेट लिखने के बाद आपको फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है, ऊपर यहाँ पे रीसेट वाईफाई और नेटवर्क या ब्लूटूथ सेटिंग्स इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपका जो वाईफाई था कनेक्ट था वो हट गया होगा। अब आपको फिर से आना है, फिर से यहाँ आना है, यहाँ से आपको वाईफाई पे जाना है, उसके बाद फिर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड डालना होगा, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है डाल लेता हूँ इस तरीके से, मेरा पासवर्ड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे फिर से बैक करेंगे। अब यहाँ पे YouTube हम ओपन करेंगे, फिर से रिट्राई पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे अभी चलना स्टार्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे चलना मेरा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप इस तरीके से वर्क नहीं करता है तो आपको यहाँ पर ये पावर बटन बंद यानी पावर बटन जो है आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद जो रिबूट का ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये देखिए रिबूट का या रीस्टार्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको वो कर लेना है। वो करने के बाद आपका जो है नेट जो है वो चलने लगेगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी के साथ जो आपने अपने मोबाइल में नेट वाईफाई से कनेक्ट किया है, अगर नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।